अब हम देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में पीसीबीएम जिनको कहते हैं, इन्हीं को हम लोग डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि जनरल पर्पस का कंप्यूटर होते हैं, जिनको आमतौर पर हम मल्टीपल टास्किंग के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे कि हमारे घरों में भी जो है माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, इसी तरह बैंक्स में माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, ऑफिस वगैरह में माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, शॉप्स वगैरह में माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, कोर टू डू है, कोर आई थ्री है, कोर आई फाइव है, हमारा लैपटॉप है, ये सारे के सारे जो हैं ये माइक्रो कंप्यूटर हैं। इन सबको कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर, इनको डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। और ये ज़्यादातर जो है हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने पर्सनल जनरल पर्पज़ के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। किसी ने गेम्स वगैरह खेलनी है तो वो गेम्स खेलता है, किसी ने डॉक्यूमेंटेशन बनानी हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, या इसके अलावा कोई और काम करना हो, तो वो जो है माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू साइज़, जिनमें हम लोगों ने डिस्कस किया सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर।